मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम हुआ और इस वक्त मैं अमर उजाला में काम कर रहा हूँ एज अ सब एडिटर। और आज मैं जहाँ भी हूँ उसके लिए जिमसी के सभी फैकल्टीज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इंडस्ट्री के लायक तैयार किया। 2015-16 में मैं जिमसी में आया था, उस समय मैं काफ़ी कन्फ्यूज था। फिर मेरे वहाँ पे अच्छी से काउंसलिंग भी हुई, चूँकि मैं अपने करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था मीडिया इंडस्ट्री को लेकर, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी मार्केट में निगेटिव चीज़ें भी होती है। सीनियर लोगों से बात करने पे वो यही कहते हैं कि इंडस्ट्री में जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया था। जितने लोगों से मिलता था उतने तरह के व्यूज़ मुझे आते थे, तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था और नर्वस भी हो गया था। फिर मैं जिमसी में आया तो वहाँ पर मेरी काउंसलिंग हुई अच्छे से, और फिर मैंने वहाँ पर 2015-16 में डिप्लोमा बैच में एडमिशन लिया। उस समय तक मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना, बस मुझे ये पता था शुरू से कि मुझे मीडिया में जाना है। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे मेरी चीज़ें क्लियर होती गई और टीचर ने मेरे अंदर की चीज़ों को पहचाना। फिर झा सर, राजीव सर, इन्होंने मुझे बताया कि तुम प्रिंट के लिए बने हो। फिर वहाँ से मैंने अपना ट्रैक चेंज किया और प्रिंट स्पेशलाइजेशन की तरफ मैं बढ़ा, चूँकि मुझे लिखना शुरू से ही पसंद रहा, तो इसलिए मैं आया। और इसके लिए मैं जिमसी के सारे फैकल्टीज़ को, चूँकि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं है बल्कि एक मेंटरशिप देते हैं, बच्चे को एक गाइड करते हैं, एक दिशा देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। और जिमसी जो है बच्चे को इंडस्ट्री में भेजने से पहले एक तरह से पूरी तरह से तैयार करती है। जैसे हमारे साथ हुआ था कि फाइनल सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप पे भेजने से पहले हमें असाइनमेंट पे भेजा जाता था फील्ड में, और हम वो जो रिपोर्टिंग करते थे वो एक्चुअल रिपोर्टिंग करते थे, जैसे कि ग्राउंड में रिपोर्टिंग होती है अखबार या टीवी के लिए, वैसे रिपोर्टिंग करते थे और हम सबमिट करते थे। और मुझे याद है कि एक बार मैं दिल्ली बुक फेयर कवर करने गया था तो एक स्टोरी मैंने लिखी थी, वो स्टोरी मुझे याद है राजीव सर ने मुझसे 28 बार लिख पाई थी। तो जब मैं थक हार के ये गया तो सर बोले कि आज तुम इतनी जल्दी थक जा रहे हो तो इंडस्ट्री में जाओगे तो अगर तुमसे 10 बार रिपोर्ट लिखा जाए तो कैसे तुम कर पाओगे। तो वो चीज़ है कि मतलब यहाँ पे जो गाइडेंस होता है और जो पढ़ाने का वो होता है और टीचर लोगों का जो बिहेवियर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा।